नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशु अश्रमा। कल हमने महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे जो मुगलों से प्रतिशोध लेने वाले में राव चंद्रसेन, राय सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन का जन्म है वो 16 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ था। राव चंद्रसेन का जन्म, इनके माता का नाम स्वरूप दे था और पिता का नाम मालदेव। ये वो मालदेव है जिन्होंने शेरशाह के साथ युद्ध किया था। इनका राजतिलक कब हुआ था? 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में। ये मालदेव का सबसे छोटा पुत्र था। अब इनको शासक बना दिया ना, तो इनके दो भाई थे। वो दो भाई क्या है, नाराज होकर अकबर की शरण में गए थे। बड़े भाई है, वो नाराज होकर कहाँ गए थे, अकबर की शरण में गए और उनसे शाही सहायता की प्रार्थना की। अकबर तो इस समय इसी फिराक में ही था, तो अकबर ये सोच रहा था कि कैसे इनमें फूट डाले। तो अकबर ने क्या किया था, जो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना वहाँ भेज दी जोधपुर, और 1564 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। और वहाँ से ये राव चंद्रसेन है ये भाग के भाद्राजुड़ चले गए। हमने पहले भी चर्चा की थी कि 1570 में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था। अब ये नागौर दरबार में चले तो गए, लेकिन अकबर ने वहाँ इनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, और वहाँ उनके एक प्रतिस्पर्धी थे उदय सिंह, ये उनको देख के वहाँ से वापस लौट आए। यानी अकबर का व्यवहार नहीं था। अब अकबर वापस लौट आए तो जो बीकानेर के राय सिंह थे, अकबर ने उनको जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया। अब राजचंद्र सेन इनको दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना भेजी। कहाँ भेजी? भाद्राजुण, क्योंकि ये चंद्रसेन कहाँ चले गए थे, भाद्राजुण चले गए थे, वहाँ भेज दी। वहाँ से राव चंद्रसेन भाग के सोजत के जो शिवाना है वहाँ बाड़मेर चले जाते हैं भाग के, और वहाँ से सारण के पहाड़ों पर सचियाच नामक स्थान पर इनका देहांत हो गया। आज वहाँ भी इनकी समाधि बनी हुई है। इनके बारे में एक ही प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है कि राव चंद्रसेन को राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहते हैं। महाराणा प्रताप के अग्रज, महाराणा प्रताप से पहले ही अकबर से इन्हें लोहा लिया था, लेकिन इनको इतना याद नहीं किया जाता जितना महाराणा प्रताप को किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बीकानेर के राजा राय सिंह के बारे में। ये जो बीकानेर के राजा राय सिंह है, ये इनका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ था, और ये कल्याणमल के सबसे छोटे पुत्र थे। ठीक है, अब जैसे ही अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया तो ये वहाँ उपस्थित हो गए, और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और वहाँ शाही सेना में शामिल हो गए, उनके विश्वास पात्र बन गए। अकबर ने क्या किया था, राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी बनाया। अभी हमने चर्चा की थी ना कि राय सिंह को जोधपुर का शासक बना देते हैं, वो बाद में पिता की मृत्यु के बाद ये बीकानेर के शासक बनते हैं। इनके पिता कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है 1574 में, और ये शासक बन जाते। ठीक है, अब जैसे ये मान लो इन्होंने शासन संभाला था, तो जो इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया, तो राय सिंह ने उनका दमन किया था। अब देखो इसके बारे में ये है कि सिरोही में एक उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। सिरोही के जो देवड़ा सुल्तान और बिजा देवड़ा, इन दोनों के मध्य क्या है, किसी बात को लेकर अनबन हो गई। तो राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके जो बिजा को राज्य से बाहर निकाल दिया, ये जो बिजा देवड़ा था इसे राज्य से बाहर निकाल दिया, और आधा सिरोही है वो मुगलों के अधीन आ गया था। आधा सिर भाग लिया था और सिरोही को इसने जीत लिया था, तो आधा सिरोही वो मुगलों के अधीन आ गया था, और महाराणा प्रताप का जो सौतेला भाई था जगमाल, उसको दे दिया था। ठीक है, अब यहाँ से जब अकबर क्या होते हैं, इनसे प्रश्न हो जाते हैं जब ये जीत लेते हैं आधा सिरोही को, तो अकबर इनको जूनागढ़ का प्रदेश दे देते हैं। इसके बाद राय सिंह है वो क्या करते हैं, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। ये जूनागढ़ का किला है, ये राय सिंह ने बनाया था अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में, इन्होंने ये बनवाया था, और वहाँ एक राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई थी। राय सिंह साहित्यकार भी थे, इनको ज्योतिष का अच्छा अनुभव था, तो वैदिक वंशावली और ज्योतिष रत्नमाला आदि ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी। करमचंद वंशोत्कीर्तनक काव्य में राय सिंह को राजेंद्र कहा जाता है। इनके कार्यकाल में ही बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 21 जनवरी 1612 ईस्वी में बुरहानपुर दक्षिण भारत में इनकी मृत्यु होती है।
तो जब ये क्या करते हैं, एक दिन दक्षिण भारत में ये रेगिस्तान में फोक की जो झाड़ी को देखते हैं और उनसे लिपट कर रोते और कहता है, एक ही दोहा बोलते हैं कि तू से देशी रूखड़ा मैं परदेशी लोग, माने अकबर तेड़िया क्यों तू आयो हो। इसका अर्थ क्या है कि तू दोषी पौधा है, मैं परदेशी व्यक्ति हूँ। भाई फोक है वो राजस्थान में लगता है, तो ये कह रहा मुझे तो अकबर ने जबरदस्ती भेजा है, पर हे फोक तू यहाँ क्यों आया है, क्योंकि तेरा तो प्रदेश कौन सा है, राजस्थान। अब ये पढ़ लिया हमने बीकानेर की राय सिंह। अब हम पढ़ेंगे सवाई जय सिंह, जिसका एक अन्य नाम है मिर्जा राजा जय सिंह। सवाई जय सिंह का ये अन्य नाम क्या है, मिर्जा राजा जय सिंह और ऐसे सवाई जय सिंह। अब देखो हम इनका देखते हैं, जय सिंह इनको द्वितीय भी कहते हैं और सवाई जय सिंह भी कहते हैं, सॉरी मिर्जा राजा दूसरे, इनको जय सिंह द्वितीय भी कहते हैं और सवाई जय सिंह भी कहते हैं। इनका जन्म होता है 3 सितंबर 1688 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था विशन सिंह, वैसे इनका मूल नाम विजय सिंह था, मूल नाम इनका तो विजय सिंह था और इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था, लेकिन औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम तो कर दिया जय सिंह और इनके छोटे भाई का नाम कर दिया विजय सिंह। इन दोनों के नाम है वो औरंगजेब ने बदल दिए थे। अब जैसे इनके पिता की मृत्यु हो गई तो ये 1699 ईस्वी में अमेरिकी शासक बन जाते हैं। अब देखो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब औरंगजेब के जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार का युद्ध होता है, चार पुत्र थे औरंगजेब के, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। तो अकबर तो क्या है कि दक्षिण पारस चला जाता है छोड़ के, और जो कामबख्श था औरंगजेब का बेटा उसको राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी। अब दो रह गए, एक तो रह गया मुअज्जम और एक रह गया आजम, ये दो रह गए। तो इन दोनों के मध्य क्या है, 1707 में जाजेऊ के मैदान में युद्ध होता है मुअज्जम और आजम के मध्य। अब सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था, इन्होंने आजम का साथ दिया, और मुअज्जम और इनके जो भाई थे ना विजय सिंह, इन्होंने साथ दिया था मुअज्जम का। अब जीत इस मुअज्जम की होती है, ये जो मुअज्जम है ये जीत के बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनते हैं, और जय सिंह को तो हटा देते हैं, और इनका जो भाई था विजय सिंह इनको क्या करते हैं, आमेर का सूबेदार या शासक नियुक्त कर देते हैं। और आमेर का नाम पहले तो इसने रखा था इस्लामाबाद, उसके बाद आमेर का नाम इन्होंने मोमिनाबाद कर दिया। ये मुअज्जम है, ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनते हैं। अब देखो कई बार देवारी समझौते के बारे में पूछ लेते हैं कि देवारी समझौता क्या है। देवारी समझौता क्या है कि मारवाड़ के शासक है अजीत सिंह, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सवाई जय सिंह के सामने एक शर्त रखी थी कि मेरी जो पुत्री है, सॉरी मेरी जो बहन है, हाँ पुत्री थी इनकी, बहन नहीं थी, ये कह रहे मेरी जो पुत्री है चंद्रकुमारी, इस चंद्रकुमारी की शादी मैं जय सिंह के साथ तभी करूँगा जबकि उनका पुत्र ही आमेर का शासक बने, ठीक है। तो ये शर्त जय सिंह मान लेते हैं, इसे देबारी का समझौता कहते हैं, क्योंकि देबारी नामक स्थान पे ये समझौता हुआ था। अब देखो थोड़े दिन बाद में ही ये भरतपुर के शासक है चूड़ामन, इन्होंने विद्रोह कर दिया था मुगल शासकों के खिलाफ। तो ये जो यहाँ मुगल शासक है इन्होंने इसको जय सिंह को भेजा कि जाओ आप ये विद्रोह को दबा के हो। तो जय सिंह ने क्या किया था कि चूड़ामन को जो भतीजा था वदन सिंह को अपनी ओर मिला लिया था, और इन चूड़ामन को उन्होंने क्या किया था, हरा दिया था। अब जैसे ही वदन सिंह को इन्होंने हराया तो इन्होंने जय सिंह ने वदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि धारण की थी, इन्होंने ब्रजराज की उपाधि दी थी। किसको दी थी, जय सिंह ने दी थी किसको, वदन सिंह को। और जाटों का दमन करने पर ये जो मोहम्मद शाह शासक था उस समय मोहम्मद शाह रंगीला शासक था, इसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला था, तो इन्होंने जय सिंह को उपाधि दी थी राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी थी। ये उपाधि इन्होंने जय सिंह को मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। अब देखो जय सिंह है इनको नक्षत्र का बड़ा ज्ञान था, ठीक है, तो ज्योतिष विद्या के जानकार थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जय सिंह कारिका, यह ग्रंथ लिखा था, और जो नक्षत्र थे नक्षत्रों की गति की शुद्ध सारणी का भी इन्होंने निर्माण कराया, ठीक है। और जय सिंह ने क्या किया था, 5 वेदशालाएं बनाई, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछते हैं, 5 वेदशालाएं बनाई थी किसके लिए, ज्योतिष के अध्ययन के लिए। कहाँ कहाँ, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस, जयपुर, इनमें इन्होंने क्या किया थी 5 वेदशाला बनवाई। और इनमें सबसे बड़ी वेदशाला कौन सी है,
जंतर मंतर, इनमें सबसे बड़ी वेधशाला है जंतर मंतर। अब देखो आमेर के स्थान पर इन्होंने जयपुर को राजधानी बनाया, मतलब जयपुर शहर है वो इन्होंने ही निर्माण करवाया था, ठीक है। और इन वेधशालों में जंतर मंतर इसको हमने यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल कर रखा है इसको। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू शासक थे जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया था, मतलब इनके कार्यकाल में ही अश्वमेघ यज्ञ हुआ था और ब्राह्मणों को रहने के लिए इन्होंने जल महलों का निर्माण करवाया था। अब देखो जय सिंह की जो मृत्यु होती है वो होती है 21 सितंबर 1743 ईस्वी को, 21 सितंबर 1743 ईस्वी को जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ कौन थे? ये जोधपुर के महाराजा गज सिंह है, इनके पुत्र थे, इनके तीन पुत्र थे जिनमें ये इनके बड़ा पुत्र था। अब देखो ये जो गज सिंह महाराज थे ये क्या होते हैं कि अनारा नमक एक पासवान होती है, पासवान मतलब एक दासी, उस दासी के प्रभाव में आ जाते हैं और आके क्या करते हैं इनको अमर सिंह को जो बड़े पुत्र हैं उनको उत्तराधिकार से वंचित कर देते हैं। अब ये कहाँ चले जाते हैं? मुगलों की सेवा में चले गए। अब ये देखा थोड़े ये वैसे निडर थे, डरते नहीं थे, तो एक दिन ये क्या 15 दिन तक मुगल दरबार में नहीं गए, तो शाहजहाँ ने इनसे कारण पूछा कि भाई आप अनुपस्थित तो क्यों थे, तो उन्होंने स्वाभिमान से उत्तर दिया कि मैं तो शिकार पर गया था और जहाँ तक जुर्माना की बात है तो जुर्माना अदा करने की बात है तो मेरी तलवार ये जुर्माना अदा करेगी। तो जुर्माना वसूल करने के लिए शाहजहाँ ने सलावत खां को भेजा था कि जाओ जुर्माना लेके आओ। अमर सिंह ने जुर्माना नहीं दिया, जुर्माना देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो बादशाह ने अमर सिंह को कहा था कि तुरंत दरबार में हाजिर हो, ये दरबार में उपस्थित हो गए। अब दरबार में जब ये उपस्थित हुए तो ये सलावत खान ने इनको एक शब्द कहा था कि आप क्या हो, गंवार हो, ये शब्द नहीं सुन सके अमर सिंह और उनने सलावत खान पर आक्रमण कर दिया और सीने में क्या कर दी, कटार भोंग दी। इसके बाद ये क्या कि शाहजहाँ पर आक्रमण गौर करने गए थे, ठीक है, तो शाहजहाँ क्या बच गए थे। फिर उन्होंने वो उसी तलवार से ये शाहजहाँ पर आक्रमण कर रहे थे तो शाहजहाँ वहाँ से बच गए थे और भाग गए थे। अब ये मान लो भाग कर क्या ये बादशाह जनाना महलों की ओर चले गए थे, जो लेडीज़ रहती है ये लेडीज़ की तरफ नहीं गए क्योंकि अपने राठौड़ों में थोड़ी सी स्त्रियों की इज्जत की जाती है। अब इसने क्या किया था शाहजहाँ ने, अर्जुन गोड इनका साला था, ठीक है, इनके साले थे अर्जुन गोड, उनको कहा था कि आपको अमर सिंह को मारना है, ये धोखे से मारने चले गए, अमर सिंह पर आक्रमण कर दिया इन्होंने। अब ये बात सुन तो ली लेकिन सारे राजपूत इस अर्जुन गोड से और शाहजहाँ से क्या हो गए थे, नाराज़ हो गए सारे के सारे राजपूत और ये क्या कर गया, इनका खून उबल गया और उन्होंने दिल्ली गए और दिल्ली में जाके शाहजहाँ को मारने के लिए लाल किले के बुखारा द्वार में प्रवेश किया सारे के सारे। अब मुगलों की सेना तो बहुत ज़्यादा थी और राठौड़ों की सेना थोड़ी सी थी, इसलिए ये सारे राजपूत क्या हो गए थे, बेचारे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जैसे ये वीरगति को प्राप्त हो गए उसके बाद ये जो बुखारा दरबार है, ये द्वार है या गेट है, इस बुखारा गेट को हमेशा के लिए ईंटों से बंद कर दिया और इस द्वार का नाम रख दिया अमर सिंह फाटक। ये द्वार अमर सिंह फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, एक ही प्रश्न बनता है कि अमर सिंह फाटक कहाँ है, तो आपको बताना है दिल्ली के लाल किले में। तो विद्यार्थियों ये थी जानकारी। अब हम जो अगला अपना टॉपिक है उसमें हम मराठों के बारे में अध्ययन करेंगे, शिवाजी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।